इस वक्त मैं मौजूद हूँ धारावी इलाके में और ये आप देख सकते हैं कि ये धारावी इलाका है, ये कितनी भीड़ भाड़ वाली है। कितने सालों से जो है इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए कई ऐसे प्लान्स आए, लेकिन कई सालों से जो है इसका रीडेवलपमेंट अभी तक जो है नहीं हुआ है। यहाँ के एरियाज की अगर हम बात करेंगे ना, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से आप ये देख लेते हैं कि क्या एरिया है। अगर आप देखिए तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन को ये बोलूंगी कि ये दिखा दे, ये यहाँ पे कई करोड़, यानी कि आप कह सकते हैं जो ये एरिया है, ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। बाहर से लोग, वो आउट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो किस तरह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा भारत का जो है ये इंसल्ट की बात है कि लोग जो है ये सब चीजें जो है देखने के लिए आते हैं। और ये गलियां आप देख सकते हैं, ये किस तरह से छोटे छोटे गली है जिससे हमें उनको जाना पड़ता है। और ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हजारों लाखों लोग जो है इस गलियारे में कैसे रहते होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी है और ऐसे ऊपर आप जा सकते, जाने का ये रास्ता है। यानी कितनी भयानक है, अगर इनकेस कहीं आग वगैरह लग गया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए, ये एरियाज में है। चाचा क्या कहना चाहेंगे, वोट इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देंगे चाचा? कल का बात, कल का देगा उसको। लेकिन ऐसे एरिया में लगता नहीं कि डेवलपमेंट होना चाहिए? अच्छा, देगा। अच्छा, तो ये चचा थे, ये देख सकते हैं कि एरिया मतलब बहुत डेंजर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो स्थानीय हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि आखिर धारावी का इस हालत में कौन जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे सर? जिम्मेदार की बात नहीं है, अपने धारावी का जो डेवलपमेंट करेगा। आज की क्या बात है, एक आधा आदमी एक्सपायर हो गया तो उनकी बॉडी भी लेके नहीं जा सकता, उनको ऐसा चादर में लेके जाना पड़ता है और बाहर उसका बॉडी बनाना। तो जो इसका डेवलपमेंट करेगा उनको वोट देना चाहता है। लेकिन कई सालों से जो है धारावी में बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इसको लेकर कई राजनीति चालू हो गई। पता नहीं ना, क्या अलग अलग राजनीति अलग अलग बात करते हैं, लेकिन जो करेगा, जो अच्छे ढंग से डेवलपमेंट कर सकता है, उसको ही हम लोग उज्जवल के दिशा। क्या लगता है 30 साल से 35 साल से जो है यहाँ पे गायकवाड़ परिवार का राज रहा, तो इस बार भी वो जीत के आएगी? नहीं, गलत है ना, क्या मालूम है, जो राज बदलाव होना चाहिए, बदलाव चाहिए, वो सेम टू सेम नहीं रहना चाहिए। क्या वो राजनीति, जो गायकवाड़ साहब ने क्या किया आज तक 30 साल से 35 साल से, जो है धारावी में क्या डेवलपमेंट किया? जो झोपड़ा में रहता है वो झोपड़ा में रहता है। आज तुम बाहर जाके देखो, कामराज नगर, नारायण नगर, अपना रमाबाई, तो वहाँ कल 20 साल से 18 साल से जो रह रहे वो लोग को बड़ी बड़ी इमारतें मिल रही है, यहाँ से 40-45-50 साल से मिल रहे, तो जो है वैसे ही हुए ना, इनका डेवलपमेंट कभी होएगा? कहीं ना ऐसा नहीं लगता कि राजनीति के चक्कर में जो बच्चे हैं उनका पूरा बचपना खत्म हो गया? हमारा बचपना खत्म हो गया, हम लोग 50 साल के हो गए, तो हम लोग का डेवलपमेंट नहीं है, तो हमारे बच्चे लोग का क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे मैडम? इस बार हम बदलाव लाना चाहते हैं मैडम। हमारे जो कैंडिडेट खड़े राजेश खंदारी, हम उनको वोटिंग करेंगे, सब गली मोहल्ले वाले। ये तो प्रॉब्लम है ना, अभी 2 वर्ष था जिनको गलती से भी आके 10 साल और धारावी पीछे जाएगी। हम लोग को तो बिल्डिंग में रूम चाहिए। अगर ज्योतिताई आ गई तो 10 साल पीछे धारावी पीछे जाएगी मैडम? मैं तो बोल रहा हूँ मैडम, 10 साल तो धारावी पीछे जाएगी। हम तो बदलाव चाहते हैं। अगर राजेश सर आते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव कोई होगा मैडम, तो भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, भरोसा है हम लोग। देखिए कि लोगों को भरोसा है और लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, यानी कि जो घराना शाही है उसे खत्म करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी ये जो आदानी जी आए हुए हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे, सरकार की तरफ से कोई जीआर वगैरह पास किया है क्या? इन्होंने दिखाया है कुछ कि हम लोग को घर कहाँ पर देने वाले हैं उसके बारे में? ये कुछ भी सर्वे कर रहे हैं इन लोग, सर्वे के लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आप कहाँ पर घर देने वाले हो तो बताओ पहले। ये बिना बताए तुम किधर भी सर्वे कर रहे हो, किसको भी पूछ रहे हो, कोई विरोध कर रहा है तो उसको पुलिस आके उठा के लेके जा रही है, तो ये जबरदस्ती हो गई। मैं बोल रहा नहीं हूँ, मैं ये पार्टी का समर्थन करता हूँ, वो पार्टी का करता हूँ, मेरी बोलने की बात वैसी नहीं है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो तुम पूरा जीआर के साथ में, गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो भी जीआर रहता है, वो जीआर निकालो पूरी तरीके से, फिर सर्वे वगैरह कर लो ना। यानी बदलाव चाहिए क्या आपको लगता है? कोई भी रहे,
मेरा एक ही बोलना है कि हमको धारावी में जहाँ पर रहते हैं वहीं पर हम लोग को घर चाहिए, बस। तो देखा आपने कि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम जो है घर चाहिए, यही बात को लेकर के जो है यहाँ पे लोग हैं। और ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितना भयानक, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते होंगे। आई वोट देनार का है, देनार के तुम्हारा काय वाटते कुणाला वोट देनार? आता हम चम्मा नानू कुणाला भी देऊ तिथे गेलास, सांगणार नाही आम्ही कुणाला। पण असं वाटत नाही की हे झोपडपट्टी नको, आम्हाला आम्हाला बिल्डिंग पाहिजे, काहीतरी डेव्हलपमेंट पाहिजे। झोपडपट्टीच पाहिजे, बिल्डिंग का करायची? कुठं नेऊन टाकत्याल खाडी मध्ये? माझं मतदान तर आहे की इथं सगळं काय सगळं माझं इथं आहे की मला असं वाटत नाही की तुमच्या मुलासाठी खेळण्याला एक ग्राउंड पाहिजे आणि काय का म्हणाल्यास ग तुम्हाला असं वाटत नाही की तुमच्या मुला छोटे छोटे मुलांना आमचे ना छोटे छोटे मुलं आहेत, छोटे छोटे मुलं आहेत तरी तर थोडस गार्डन भी पाहिजे खेळण्यासाठी। खेळण्यासाठी काय तर थोडं छोटं मोठं गार्डन पाहिजे ना। हा रूम माझा आहे, हे रूम तुमचा आहे ना? हे कितीचा रूम आहे? 10x10? 10x12 किती माणसं राहते? दोन सुना, दोन लेक, सासरा होता, आत्ता वारलाय माझा, एक दोन वर्ष झालं। टोटल किती माणसं राहते? टोटल 7 माणसं 8 माणसं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक घर है जो 10x12 का घर है, आप ये देख सकते हैं। और इस 10x12 के घर में, एक मिनट, ये 10x12 के घर में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 12 लोग इस घर में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10x10 के घर में अगर 12 लोग रहते हैं तो स्थिति कैसी होगी और लोग कैसे रहते होंगे, ये बहुत बड़ी जो है समस्या मुझे यहाँ पे देख रही है। ये देख सकते हैं ये, और यहाँ पे छोटा सा एक दुकान भी है। तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट चाहना होना चाहिए। तो ये काय वाटते तुम्हाला? एवढ्या पाण्यामध्ये साऱ्या गटरामध्ये राहून राहून खाली किडे येऊ लागले, घरात येऊ लागले, दारात येऊ लागले किडे, काय करावं लागेल सांग? कुठं जावं आता? तुम्ही एक दिवस असं 5 मिनिटं थांबणार नाहीत? किती वर्ष इथे? आम्ही आता 50 वर्ष झाले इथं आहोत। आम्ही 50 वर्ष झाले इथं आहोत आम्ही राहायला। सर्व खाडी होती, सर्व पाणी होत इथं कपडे धुवत होतो, गवतातलं पाणी आणून पित होतो, आंघोळ्या करत होतो, चौकी पसल्या। तुम्हाला वाटत नाही की हे झोपडपट्टी नको आता थोडा तरी? मग करा की करा, राजी आहो आम्ही, काय करणार? आम्ही नाही बघितलो, आमची लेकर तर बघत्याल, लेकर तरी राहत्याल सुखाचे, मग झाला आमचं मन समाधान। हा, एकेक्या घरात 10-10 माणूस आहे, काय करणार? खाली वरी लेकर बाळ घेऊन राहलात, करलात संसार करल्यात, कुठं लागल तिथं मजुरी करल्यात, खावल्यात, राहलात। मग आता तरी आयुष्य चांगलं घा, पुढे करा। आता 30-35 वर्ष गायकवाड फॅमिली इथे राज करत होते, तुम्हाला असं वाटत नाही की तिला काहीतरी सवय करायला? बक्कळ बोललं तिला, हा करणार हा करणार हा करणार म्हणली, शेवटी इथंच आलो आम्ही, आजू इथंच आहो, आजू बाहेर राहून निघालो धारायच्या। तुम्हाला वाटत चांगलं? हो, आम्हाला इथंच देवा, चांगली बिल्डिंग बांधून द्यावा, आमच्या लेकरा बाळाची संस्था चांगली करावं असं वाटतंय का तुम्हाला? थोडा तरी चेंज हवाय? हो, पाहिजे चांगली अवस्था, चांगलं वातावरण, चांगलं आमची लेकर बाळ राहाव, सुखाचे राहाव, आम्ही बी त्यांना बघाव सुखाचे राहू लागले म्हणून, हेच अपेक्षा पाहिजे आम्हाला। सांगा, स्थिती खूपच खराब आहे ना? हा, मग काय करणार? किडे उलय, ताळे उलय, तर शेपटाच्या उडवल्या घराने। हा, शेपटाच्या आळ्यात, शेपटाच्या आळ्या आहेत बाई, शेपटाच्या मी म्हणले। आता आता जर तुम्हाला तुमच्याकडे वर्षाताई गायकवाड, गोटी ज्योती गायकवाड आले होते का वोट द्या? सर्वे उलल्यात, सर्वे पाया पडलेल्या, सर्वे देऊ लागल्यात, पण आमची गटराची सोय नाही तर घराची का सोय करणार आहो? गटराची सोय नाही, पण तुम्हाला बोलायचे ना, तुम्हाला बोलायचे ना। हा, ज्योतीताई वर्षाताई काय करणार? वर्ष ज्योतीताईला आणून इथं दाखवली मी, बघ बाई म्हणलंय बघ,
सांग काय सांगितलं एवढं केले तेवढं केले गेले निघून अर्धवट हा कुणे का होईना केलं अर्धवट केले गेले निघून सने अजून याच्या पाणी इतवर सकाळ पाणी येते घाण तितवर येतय झाले किडे येतात आळ्या येतात शेपटाच्या तरी म्हणले मी तिच्या वर्षाच्या बहिणीला मी म्हणलं बाई आळ्या धरून आणून तुला दाखवू का नका मावशी असं नका बोलू नका बोलू तर मग काय करणार रोजच वैतागाय याच्यामध्ये किती आळ्या आहेत बघा शेपटाच्या आळ्या आहेत मग काय करणार कुठं जाऊ आम्ही आमची लेकर बाळा मग घर भाड्यानं घेऊन सनी रावलेल्यात मग काय करणार इथं आळ्या आजारी पडलं पोट भराव का दवाखान्याला घालाव हा आप देख सकते कि ये स्थिति जो है ये देख सकते इतने सारे कीड़े ये नाले है ये इतनी इतनी लोगों का यहाँ पे स्थिति है और ये देखिए क्या कहना चाहेगी क्यों जा रहे हैं क्या कहना चाहेगी वो मत लगाइए हमको वो नहीं चाहिए कार्यकर्ता नहीं चाहिए हमको कॉमन पीपल चाहिए आप कांग्रेस की है ना हाँ कांग्रेस की है हमको कोई कांग्रेस और बीजेपी वाला नहीं चाहिए हमको आप लोकल है आपको क्या परेशानी है वो चाहिए हमको परेशानी है हम भाड़े से रहते हैं इधर भाड़े से रहते हैं हम 60 वर्ष हो गए भाड़े से रहते हैं इधर हमको घर नहीं है दार नहीं है भाड़े से रहते हैं लेकिन ऐसा गंदगी में सब गंदगी में रहते हैं सब कीड़ा आता है हमारे घर में आता है घर में अंदर आता है और बाथरूम में आता है हम ऐसे ना वोट जो मांगने जब वोट जो मांगने आता उसको बोला नहीं आपने बोला सब दिखाया उसको वर्षा का एकड़ को सब दिखाया दिखाया सब तो क्या बोले क्या क्या खोपा बना के दिया उसने खोपा बना के दिया उसने क्या बना के खोपा बना के दिया करता है बोला ये किया इसका बार लादी नहीं डाला कुछ नहीं डाला लादी डालने को बोला था तो नहीं डाला वो क्या करेगा अभी पब्लिक नहीं तो पब्लिक क्यों वोट देगा क्यों वोट देगा उनको जब वो काम नहीं करके देती है तो करेगा करेगा बोल के अभी नहीं कर रहा है तो क्या करो हम क्या बात करो उसको क्या करेगा नहीं लगता कि हमको कहीं ना कहीं जो है हम तो भाड़े से रहता है ऐसा हम भी काम करते है किधर तो ये काम करके हम पैसा भाड़ा भरते है तो क्या करेगा सब आता है किसके साथ बात करूं किसके साथ लड़ू किसके साथ नहीं मैं अकेले इधर किसके साथ झगड़ा करूं नहीं नहीं झगड़ा नहीं करने वोट तो दे रहे ना वोट का तो राइट है ना देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग जो है वो ये बोलोगे ना वोट के लिए गली गली में आते हैं जब वोट देने के लिए रहता है तभी गली गली में आते है इधर बॉडी जाने के लिए जगह नहीं है वो इंसान कैसा जाएगा बताओ मैम हाँ गटर में इतना आगे इधर तो इतना बनाया है सिर्फ दिखने के लिए आगे कौन बनाएगा इतना गटर आगे जो रहता है उधर गेचुए बिछुए आते वो कौन करेगा इतना किया तो हो गया मतलब सामने किया है उतना हो गया है आगे कुछ नहीं होगा क्या होगा इसीलिए तो बोल रही हूँ हाँ, तो कब तक होगा आज इतना इधर इतने बूढ़े लोग है जब ये मरते है तो बॉडी लेने के लिए जगह नहीं रहती आप जाके देख सकते हो बॉडी के लिए जगह है क्या आप देख सकते हो तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो धारा भी कभी डेवलप होगी और बोलते हैं धारा भी बचाओ क्या फायदा ये धारा भी बचा के कुछ फायदा नहीं है धारा भी बचा के कुछ फायदा नहीं है मैं तो बोलती हूँ धारा भी बचा के कुछ अभी जो हम लोग रहते हैं तो हम लोग एक्चुअली 3 फैमिली है वॉशरूम के लिए हम लोग को वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है क्या फायदा है फिर धारा भी बचाओ कुछ फायदा है वॉशरूम जाके देखोगे तो इतना गंदा है कि कोई बैठ नहीं सकता है उधर धारा भी क्या बचा के क्या फायदा है और रहने के लिए फैमिली प्रूफ रहने के लिए क्या फायदा है इधर रहने के लिए 3 माला है लेकिन सोएंगे किधर घर में सास ससुर देवरानी जेठानी सोएंगे किधर सबके साथ थोड़ी सोएंगे ना कहीं ना कहीं देखा गया है कि गायकवाड़ फैमिली जो है इतने साल से राज कर रही है फैमिली गायकवाड़ फैमिली है उनको डेवलप करना चाहिए था ना तो अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ धारावी ठीक है आप बोल रहे हो बिल्डिंग बना के देंगे दूसरे तरफ जाओगे हम लोग कैसे जाएंगे ऐसे छोड़ के सब बिल्डिंग छोड़ के ले जाएंगे इधर ही बना के देना है आपको जो करना है इधर ही करना है हाँ 1-2 महीना रखो आप बाहर हम लोग रहने के लिए रेडी है लेकिन हम लोग ज्यादा दिन नहीं रह सकते हम लोग का धारावी छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग आज नहीं इधर हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं लेकिन अभी क्या फायदा इसका वॉशरूम के लिए जगह नहीं है बाहर जाने के लिए रोड पे जाते हैं देखो पैसा लेके रोड पे जाते क्या फायदा इसका कुछ फायदा है तो आपको जब वोट मांगने जो आता है उसे तो आपको बताना चाहिए ना कि हम कितने बार बताएंगे कितने बार कंप्लेंट करेंगे हर चीज कंप्लेंट से थोड़ी होती है
खुद रहते तभी अच्छे जगह पे रहते क्या गंदे जगह पे रहते हैं? रहते हैं ना अच्छे जगह पे। अभी आपको बाथरूम के इधर जाके देखोगे तो स्मेल मारेगा, तभी भी लोग रहते हैं ना, क्या करेंगे? भाड़ा इधर 5,000-5,000 रुपए कितना दिन भरेंगे? हम लोग खुद भाड़े से रहते कितना दिन भरेंगे? मैं खुद मराठी हूँ, किती दिवस राहणार मी भाड्यानी? पण तुम्हाला असं वाटत नाही की जेव्हा माणसं तुमच्याकडे वोट मांगायला मला वोट द्या मला वोट येतात ना, हार गल्लीने येतात, पोस्टर छापून जातात असं दरोजावर। कसं छापायचे आम्ही पोस्टर असं छापायचे? आम्ही पण थांबतो मग राजनीती मध्ये, चालेल का? असं नाही चालणार ना। देखा आपने कि लोगों में जो है गायकवाड फैमिली को लेकर के बहुत ही गुस्सा है, सब सबके लिए गुस्सा है, क्योंकि जो भी चूंकि यहाँ पे वही हाल है गायकवाड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एमएलए गायकवाड थे, इसके पहले एमपी गायकवाड फैमिली थे, तो ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। आज ये गटार देखेंगे तो बच्चे लोग ऐसा चिक्कुड़ से जाते हैं, इंफेक्शन होगा नहीं होगा? हम लोग को खुद हुआ इंफेक्शन, हम किसको बोले? गायकवाड़ फैमिली को जाके बोले क्या? कोई राजनेता को बोले? कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम लोग को इधर रहना है, नहीं रहना है तो फिर कुछ नहीं कि दादागिरी होता है, सब चलता है इधर, ये धारावी है, दादागिरी भाईगिरी सब है, कोई किसी को नहीं देखता है, सीधा कॉलर पकड़ता है और मारता है बस। ये तो बहुत बैठे ना उधर की बुड्ढे संडास करती है, छोटा बाथरूम है, संडास करती है और थैली में भर के गटर में डाल देती है, उधर पानी हो गया सर्व घाण इतना किड़े मजा बगत हसत्यात आमच्या दारापुरी आमच घर जवळ पडते म्हणून आम्हाला मुसीबत होते, इतनी सोय करा आणि आम्हाला कुठतरी चांगल्या ठिकाणी आनंदात 4 दिवस बघू द्या आम्हाला। बनून इथेच द्या, तुम्ही दुसरीकडे नको, आता एवढ्याच जागेवर तुम्ही बनवलात, एवढं दिसण्यासाठी बनवलात का? पुढे चला बरं, तुम्ही गल्लीत चला, चला गल्ली में जाते, जरा गल्ली में देख लेते कि क्या स्थिति है यहाँ। इस रूम के अंदर आऊंगी और आपको दिखाना चाहूंगी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ली भी रखी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्ली भी रखी हुई, ये देखिए ये किचन है और ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये कैमरा पर से ये देखिए ये बाथरूम है। इतना अगर हमारे घर घर में बोलेंगे तो इतना मेरा जो घर है वो हमारा बाथरूम ही इतना बड़ा है। और ये देखिए ये इसी छोटे से रूम में जो है ये आपको पूरी तरह से पूजा वगैरह भी जो अपन करते है। कैसा है, कितना बाय कितना का ये रूम है? 8x8 का रूम है ये। हाँ। और हम चार मतलब हम दो हमारे दो रहते। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर हाँ ऊपर प्लस माला किया हमने, जो इधर से अंदर से सीढ़ी है। कितने साल से आप यहाँ पर? अभी हम 20-25 साल से इधर ही हैं। हाँ, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बोले थे कि नगर इलेक्शन पे आए थे तो उन्होंने बोले कि इधर अगर बटन दबाएंगे ना तो दिल्ली तक, इधर बटन दबाए तो दिल्ली में बल्ब जलना पड़ता है, ऐसी तुम लाइन कर दो, मतलब नगर सेवक भी उनका, आमदार भी उनका, खासदार भी उनका, ऐसा होएगा तब डेवलप होएगा। तो हमने 2-3 बार नगर सेवक कांग्रेस के नगर सेवक भी आ गए थे, खासदार भी अभी वर्षा गायकवाड कम से कम 3 बार है अभी खासदार हो गए। अभी इधर जो खासदार है जो शिवसेना का उबाटागढ़ के, उन्होंने भी वही बोले थे कि डेवलप होगा, डेवलप होगा। अभी
जो एकनाथ शिंदे जो बोल रही कि डेवलप करने का है, अदानी से करने का है, तो मेरा इतना ही कहना है कि जो हमारा ये रूम है ना, उतना उनका बाथरूम है। वो लोग बोलते कि इधर ही करने का। अभी देखो ये पॉलिटिक्स है, हमारे को मालूम नहीं कि इधर देंगे या भारत किधर देंगे, वो तो हमारे को नहीं मालूम। तो डेवलप होना मांगते बस, डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम इधर रहे बच्चे के लिए, बच्चे हाँ ग्राउंड, आपके बच्चे खेलते किधर होंगे? अब इधर कोई अगर मैडम गुजर गए ना, तो बॉडी को हमको लपेट के बाहर लेके जाना पड़ता है। बॉडी लगता होगा बहुत, बोले तो बहुत, इसीलिए तो बोले कभी डेवलप होगा अगर कोई इधर गुजर गए ना, तो बॉडी को सबसे बड़ी बात है बॉडी को ले जाने की जगह नहीं मिलती है। और उसके बाद इसमें राजनीति होती है कि हम अदानी को नहीं आने देंगे, हम उसको नहीं आने देंगे। तो हमें लोगों की जो सुविधाएं है, मूलभूत सुविधाएं, यानी कि रहने के लिए जो एक रूम चाहिए, बच्चे को खाने के लिए अच्छा एक मतलब खेलने के लिए एक जगह चाहिए, एक अच्छा स्कूल चाहिए, उस चीज को ना रख के राजनीति, नगर सेवक का काम जो है ना वो नहीं, नगर सेवक का काम करते आमदार का जो काम है उसमें इसका काम घुसा देते, खासदार का जो काम है उसका इस दूसरे के काम में घुसा देते, जो काम है वो नहीं करते, दूसरे ही काम घुसा देते। बहुत स्थिति जो है मुझे तो बहुत दयनीय लग रही है कि कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे इतने छोटे छोटे, ये भी इधर ही रहते। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देख सकते है, ये यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली है, ये बिल्ली भी इनके साथ ही रहती है। ये मेरे को बहुत पसंद आया, पता नहीं कब, लेकिन विकास होना बहुत जरूरी है इस धारावी में, जो है डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरह से रहते हैं, और ऑलरेडी मैं इनको सैल्यूट करना चाहूंगी कि किस तरह से इतने गंदगी में रहते हैं, और वो भी वेल मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं हम गलत ये में रह रहे हैं, जॉब करते हैं, अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। बस उनका यही कहना है कि किसी भी हद में हो, हमें जो है धारावी का डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमें इसी धारावी में हमें हमारा घर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन सेलेस के साथ संदेश।